हे गाइस, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन वे ट्रैवलर में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तराखंड का एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम है मुक्तेश्वर, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में पड़ता है। यह हिल स्टेशन कुमाऊं की पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मुक्तेश्वर अपने शांत और पैरानोमिक व्यूज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ से आप नंदा देवी त्रिशूल का लगभग 180 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं। इस वीडियो में मैं वे सभी स्पॉट्स आपको दिखाऊंगा जहाँ पर आपको घूमना चाहिए। आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा टाइम बेस्ट होगा, जाने का तरीका क्या होगा, होटल रिसोर्ट कहाँ पर बुक करें और यहाँ पर घूमने का खर्चा कितना होगा, इसी टाइप की बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, और इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए घूमते हैं मेरे साथ मुक्तेश्वर को। चलिए गाइस, बात करते हैं कि आप मुक्तेश्वर कैसे पहुँच सकते हैं। मुक्तेश्वर पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप वायु मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं, रेल मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं और बस मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप वायु मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो आपके सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर होगा। पंतनगर से मुक्तेश्वर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर की है और आप उसको टैक्सी के थ्रू कवर कर सकते हैं। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 2500 से 3000 रुपये खर्च करने होंगे। आप शेयर टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, इसके लिए आपको सिर्फ 250 से 300 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम होगा, जिसकी डिस्टेंस लगभग 56 किलोमीटर है। आप काठगोदाम से टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये खर्च करने होंगे। और अगर आप शेयर टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लगभग 200 रुपये खर्च करने होंगे। गाइज, अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से मुक्तेश्वर तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 360 किलोमीटर है, हल्द्वानी से 64 किलोमीटर है, नैनीताल से 48 किलोमीटर है और भवाली से मात्र 36 किलोमीटर है। सभी टाइप की वॉल्वो, लग्जरी, सेमी डीलक्स, डीलक्स टाइप की बस सर्विस आपको मिल जाती है, जो कि आपको काठगोदाम ड्रॉप करती है और काठगोदाम के बाद में आपको बाई बस या टैक्सी के थ्रू मुक्तेश्वर जाना होगा। गाइज, आप मुक्तेश्वर का ट्रिप दो टाइप से प्लान कर सकते हैं। पहले नैनीताल चले जाइए, वहाँ पर एक नाइट स्टे करिए और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में आप मुक्तेश्वर के लिए निकल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट काठगोदाम से मुक्तेश्वर चले जाइए। गाइज, मुक्तेश्वर पहुँचने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ पर कहाँ रुकें। देखिए, मुक्तेश्वर में होटल और रिसॉर्ट और होम स्टे काफ़ी है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि होटल और रिसॉर्ट ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि मुक्तेश्वर एक बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है और उसमें होटल और रिसॉर्ट बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। मुक्तेश्वर का मार्केट और सिटी एरिया काफ़ी छोटा सा है। वैसे यहाँ का सबसे बेस्ट स्टे KMVN टूरिस्ट गेस्ट हाउस मुक्तेश्वर है। अगर आप अपना होटल बुक कर रहे हैं तो आप सिटी सेंटर के आसपास ही बुक करें। वीकेंड में यहाँ पर जो होटल्स के प्राइस हैं वो डबल से ट्रिपल तक हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि मुक्तेश्वर में घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है मुक्तेश्वर धाम, जो कि सिटी सेंटर से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आप चाहें तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और आप कब मंदिर पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मंदिर का टाइमिंग सुबह 6 से रात के 8 बजे तक का है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी होंगी। मंदिर की जो हाइट है वो लगभग 2315 मीटर है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 साल के निर्वासित जीवन में यहां पर भगवान शिव की उपासना की थी। मैं हूं इस वक्त मुक्तेश्वर महादेव पर और ये टेम्पल बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आकर एक अजीब सी शांति मिलती है। तो अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करें। वीकेंड और सोमवार के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। मंदिर का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण है और प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि आपको यहाँ पर कुछ देर रुकने के लिए मजबूर कर देता है।
मंदिर से दूर तक फैली हिमालय की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर के नीचे छोटी छोटी सी दुकानें हैं जहाँ पर आप मैगी, छोले भटूरे, पराठा और स्पेशली भट की दाल का आनंद ले सकते हैं। गाइस, मंदिर से ही सटा मुक्तेश्वर का दूसरा टूरिस्ट पॉइंट है जिसका नाम है चोली की जाली। यह पॉइंट अपने सनसेट के लिए फेमस है और यहाँ से आप 180 डिग्री का हिमालय का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती हैं और यह जगह एक परफेक्ट फ़ोटोशूट के लिए बनी है। इन पॉइंट्स को घूमने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। चलिए गाइस, बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में जिसका नाम है भालूगढ़ वाटरफॉल। यह मुक्तेश्वर से 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप भीमताल होते हुए मुक्तेश्वर आ रहे हैं तो आप इस पॉइंट को पहले भी विजिट कर सकते हैं। भालूगढ़ वाटरफॉल की वीडियो देखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।